तो दोस्तों भारतीय रेलवे ने अभी एक काफी अच्छा और एक काफी इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है। दरअसल ये लोग अब ब्लास्टलेस ट्रैक्स पर स्विच होने की बात कर रहे हैं, स्पेशली हमारे जो मेजर स्टेशन है वहां पर एटलीस्ट, और साथ ही में जो अभी काफी ज्यादा रीडेवलप किए जा रहे स्टेशन वहां पर तो ऐसे स्लैब वाले बुलेट ट्रेन जैसे दिखने वाले ट्रैक्स तो होने ही चाहिए। सो इसके बारे में मैं आपको काफी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अब सबसे पहले बात करते हैं कि क्या डिफरेंस है बेसिकली ब्लास्टलेस ट्रैक और ब्लास्ट ट्रैक में, क्या इनकी दिक्कतें हैं और क्या सबसे बड़ा बेनिफिट है आज के समय में ब्लास्टलेस ट्रैक्स का। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम जल्द ही एक काफी वर्ल्ड क्लास चैनल शुरू करने वाले हैं जहां पर दुनिया भर के मेगा प्रोजेक्ट्स, वर्ल्ड वाइड मेगा प्रोजेक्ट्स और काफी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज हम वहां पर डिस्कस करेंगे। काफी मजेदार इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाऊंगा, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में। सो प्लीज जाइए उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक आपको डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले तो अगर हम ब्लास्टलेस ट्रैक बना दे, दैट मीन्स बुलेट ट्रेन जैसे दिखने वाले ट्रैक्स, तो इसकी कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा ही कम हो जाएगी। अक्सर आपने देखा होगा कि जो हमारे नॉर्मल ट्रैक्स है, ब्लास्ट वाले ट्रैक्स काफी ज्यादा, तो यहाँ पर वर्कर्स हमेशा काम करते रहते हैं, जो डर्ट फिर डेब्रिस बेसिकली अटक जाती है स्टोन्स के बीच में, उन्हें क्लीन अप करना। सो अगर हम यहाँ पर सीधा ब्लास्टलेस ट्रैक डाल दे, ये दिक्कत तो आएगी नहीं, और उसके ऊपर से एस्थेटिकली काफी ज्यादा प्लीजिंग भी ये दिखेगा। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है हाई थ्रूपुट। अभी अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे जो काफी मेजर जंक्शंस रहते हैं वहाँ मेंटेनेंस तो बहुत ज्यादा हाई रहती है, इनफैक्ट कभी कभार तो डेली मेंटेनेंस किया जाता है ऐसे मेजर जंक्शंस का जहाँ पर दुनिया भर की ट्रेन्स निकल रही हैं। एक और चीज आपने नोटिस की होगी कि ये ट्रेन्स की स्पीड भी काफी ज्यादा कम रहती है ऐसे जंक्शंस पर, और इनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी भी थोड़ी कम रहती है। बट वहीं अगर इसे हम सीधा रिप्लेस करते हैं विद ब्लास्टलेस ट्रैक, काफी फ्रीक्वेंटली ट्रेन्स गुजर सकती है, हमें बिल्कुल भी ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं। फिर उसके बाद थोड़े स्पीडली यहाँ पर ट्रेन्स गुजर सकती है, ना कि ब्लास्ट ट्रैक्स की तरह जहाँ काफी स्लोली गुजरना पड़ता था। तो देखा आपने, स्पीड एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अगर हमें सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स दौड़ानी है तो ब्लास्टलेस ट्रैक एक काफी बेहतरीन विकल्प हो सकता है इसे पॉसिबल बनाने के लिए। अब एक और इसका काफी बेनिफिट है, इससे एक्सीडेंट के चांसेस भी काफी हद तक कम हो जाते हैं। मान लीजिए अगर कोई रेलवे ट्रैक है रिवर के बाजू में, तो यहाँ पर काफी खतरा बना रहता है कि कोई डेंजर या फिर आपदा के समय में ये जो भी स्टोन्स है ये वॉश्ड ऑफ हो जाए, बट वहीं अगर ब्लास्टलेस ट्रैक देखे ऐसी दिक्कत नहीं रहती। अब वहीं दूसरी तरफ चैलेंजेस की बात करें, सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे दुनिया भर के जो भी पब्लिश किए हुए है बाय RDSO, जो भी हमारे सिस्टम्स है, कोड्स, कंडक्ट्स, इसे चेंज करने पड़ेंगे। फिर इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा हाई है, सबसे बड़ी बात तो यही है। फिर एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि ब्लास्टलेस ट्रैक वो लोग अक्सर किसी कंक्रीट सरफेस पर ही प्रिफर करते हैं, जैसे कि आप यूजुअली देखते हो मेट्रो वहाँ, बट इंडियन रेलवेज की जो ट्रैक्स है उसके नीचे तो सॉइल है। सो ये भी एक थोड़ा क्रिटिकल सिचुएशन है जहाँ पर रेलवे को ध्यान देना है। वैसे रेलवे ऑफिशियल्स पूरी तरह से अवेयर तो लग रहे हैं कि ये जितने भी चैलेंजेस आएंगे इनके रास्ते में सबको फेस कर सके। सो लेट्स सी कि कितना फटाफट रेलवे इस प्लान को एग्जीक्यूट करती है। वैसे अगर आपने अभी तक हमारे नए YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।